ही बनाई थी फिर। हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हो रही है मेरी पूजा और दिन है वीरवार का। तो ये वीरवार के दिन का ब्लॉग है। वीरवार को सुबह हम जा रहे थे मंदिर में, और संतोषी माता जी के मंदिर। तो सुबह सुबह का टाइम है, सभी को राम राम जी, राधे राधे जी, नमस्कार जी। तो यहाँ पे बस पूजा वगैरह की और सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद जो है वो हम सभी चले गए थे माता जी के मंदिर, संतोषी माता का मंदिर हमारे हमीरपुर में लदरौर में। यहाँ बैठे थे हम बस का वेट करने। जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारा बस स्टॉप है और यहीं पे हमें बस लेनी होती है। तो बस यहीं पे हम सभी मिलके बस का वेट कर रहे थे। तो बच्चों का रिजल्ट निकलता है ना, ये छोटे बच्चे हैं, इनके रिजल्ट के बाद ही फिर हम जो है वो लदरौर संतोषी माता जी के मंदिर जाते हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर माता के दरबार में पहुँच गए हैं। माता के दरबार में ना नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश होता है, या फिर जैसे सैर के मेले आते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा रश होता है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम खड़े थे लाइन में, और लाइन में खड़े होके ही एक एक करके दर्शन हो रहे थे माता जी के, क्योंकि फिर एकदम से भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ जाती है ना, तो फिर दर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस करके फिर लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद ही फिर दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी माता के दरबार में लाइन में लगे थे दर्शन के लिए, और वेट कर रहे थे अपनी बारी का। और यहाँ पे मिल गए थे हमें रीनू दीदी, क्योंकि ये भी मंदिर आए थे माथा टेकने बच्चों के, इनके भी रिजल्ट निकले थे और इनको तो पास में ही है मंदिर। तो लो जी, आप भी कर लो माता जी के दर्शन। संतोषी माता जी का मंदिर है ये लदरौर में, और बहुत ज़्यादा सजता है ये मंदिर नवरात्रों में, या फिर जैसे शहर के मिल जाते हैं, मैंने बताया आपको, तब भी मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो बस फिर दर्शन करने के बाद जो है हम बैठ के थे कीर्तन करने। यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे सभी, बड़े भी कर रहे थे, औरतें भी, और छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे थे। हमने भी पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा गाना वाना गाया, और बस बैठे थे थोड़ी देर। बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने इंजॉय भी किया और माता जी के दर्शन भी किए। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हर किसी को जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद, कीर्तन करने के बाद, उसके बाद फिर आगे थे हम नीचे खाना खाने। तो ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़की इतना सुंदर डांस कर रही थी ना, बहुत अच्छे से इन्होंने डांस किया। और सभी जो थे वो यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बड़े भी छोटे भी श्रद्धालु सभी जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, गाना वाना बजा रहे थे, गा रहे थे। तो ये देखिए आप कितना अच्छे से ये छोटी सी बच्ची डांस कर रही है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे को, सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, बस यहीं पे नीचे जो है वो खाना खाएंगे, मतलब भंडारा। तो बस ये देखिए आप, ये पूरा आप देख सकते हैं लदरौर जो है वो नीचे पूरा का पूरा मार्केट दिख रही है आपको। ऊपर से ना पहाड़ी से तो इतना अच्छा लगता है ना, ये बहुत सुंदर सा लगता है, पूरा बाजार दिखता है ऊपर से। तो बस मैं भी आ गई थी नीचे, बाकी सभी जो है वो नीचे चले गए हैं।
तो यहाँ पे खाना वाना हो गया, दर्शन वगैरह कर लिए, अब थोड़ा सा सामान ले लेते हैं नीचे और फिर चलते हैं घर। बस तो सामान वगैरह लिया था, कुछ भी नहीं लिया, मतलब एकदम से बस आ गई थी, बस एक मैं माता जी की फोटो ही मैं ली थी और फिर बस आ गई और फिर आ गए हम और घर पहुंचे थे। तो मैक्स देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ था, ये ठंडी ठंडी जगह पे। और ये है जी शाम का टाइम, और शाम को बस फिर ये धूप दिया और शाम की पूजा। और आजकल तो नवरात्रे चले, आजकल तो आप जितने मर्जी दिए जला लो, कोई रोक टोक नहीं है, दिए जलाते रहो, रोज की रोज दिवाली मनाते रहो, आपके घर में खुशियां आए, बरकत आए और माता रानी आप सभी पे जो है वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अच्छा, मैंने इस बार ना नवरात्रा में चौकी नहीं लगाई, क्योंकि मैं हर बार नवरात्रा में चौकी भी रखती थी, मतलब दो तीन तीन कर सालों से मैं चौकी लगाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं रख पाई, क्योंकि उस टाइम जब पहला नवरात्रा था तो मैं बेटी के पास थी। तो अब खैर कोई बात नहीं, अगले साल जब ये चैत्र नवरात्रे आएंगे तब मैं चौकी लगा लूँगी। तो ठीक है जी, फिर मैं अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और जो भी भाई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है जी, फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।